सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस टर्मिनोलॉजी सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज की टॉप 5 डिफेंस टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहला टर्म है प्लेटून। प्लेटून इन्फेंट्री सोल्जर्स की एक छोटी टैक्टिकल यूनिट को कहा जाता है जिसमें करीब 32 से 35 सोल्जर्स होते हैं। प्लेटून को कमांड करने वाले ऑफिसर को प्लेटून कमांडर कहा जाता है जो कि एक लेफ्टिनेंट रैंक का ऑफिसर होता है। और प्लेटून में लगभग 3 या 4 टैक्टिकल सब यूनिट्स होती हैं जिन्हें स्क्वाड्स या सेक्शंस के नाम से जाना जाता है। और प्लेटून के इन सब यूनिट्स को एक जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी JCO लीड करता है। अगला टर्म है कंपनी। कंपनी भी इन्फेंट्री सोल्जर्स की एक यूनिट को कहा जाता है जो कि 3 प्लेटून से मिलकर बनती है। हर एक कंपनी में लगभग 120 सोल्जर्स होते हैं और कंपनी को कमांड करने वाले ऑफिसर को कंपनी कमांडर कहा जाता है जो कि मेजर या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का एक कमीशन ऑफिसर होता है। अगला टर्म है बटालियन। बटालियन इन्फेंट्री सोल्जर्स की मेन फाइटिंग यूनिट को कहा जाता है जो कि 4 राइफल कंपनी से मिलकर बनती है। हर एक बटालियन में लगभग 900 कॉम्बैट पर्सनल्स यानी इन्फेंट्री सोल्जर्स होते हैं और बटालियन को कमांड करने वाले ऑफिसर को बटालियन कमांडर के नाम से जाना जाता है जो कि कर्नल रैंक का एक कमीशन्ड ऑफिसर होता है। और हम आपको बता दें कि रेजिमेंट और बटालियंस में भी ज्यादा फर्क नहीं है। अगर किसी मिलिट्री यूनिट की एक या एक से ज्यादा बटालियंस होती हैं तो उसे रेजिमेंट कहा जाता है, और अगर किसी मिलिट्री यूनिट की एक ही बटालियन होती है तो उसे रेजिमेंट की जगह बटालियन ही कहा जाता है। अगला टर्म है ब्रिगेड। ब्रिगेड उस मिलिट्री यूनिट को कहा जाता है जिसमें सपोर्टिंग एलिमेंट्स के साथ लगभग 3000 कॉम्बैट ट्रूप शामिल होते हैं। और हर एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में अदर सपोर्ट आर्म्स और सर्विसेज के साथ 3 इन्फेंट्री बटालियंस शामिल होती हैं। ब्रिगेड को कमांड करने वाले ऑफिसर को ब्रिगेड कमांडर कहा जाता है जो कि ब्रिगेडियर रैंक का एक कमीशन्ड ऑफिसर होता है। अगला टर्म है डिवीजन। डिवीजन उस मिलिट्री यूनिट को कहते हैं जो कि 3 या 4 ब्रिगेड से मिलकर बनती है। हर एक डिवीजन को डिवीजन कमांडर द्वारा लीड किया जाता है जिसे GOC यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग कहते हैं, और वो एक मेजर जनरल रैंक का कमीशन्ड ऑफिसर होता है। इंडियन आर्मी में मौजूदा समय में 40 डिविजन्स हैं जिनमें 4 रैपिड्स यानी रीऑर्गेनाइज्ड आर्मी प्लेन्स इन्फेंट्री डिवीजन, 18 इन्फेंट्री डिविजन्स, 12 माउंटेन डिविजन्स, 3 आर्मर डिविजन्स और 3 आर्टिलरी डिविजन्स शामिल हैं। और 3 से 4 डिविजन्स को मिलाकर कोर बनाई जाती है जिसे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का कमीशन ऑफिसर लीड करता है। और इंडियन आर्मी में मौजूदा समय में 14 कोर हैं और आर्मी की हर एक ऑपरेशन कमांड में 2 या 2 से अधिक कोर्स होती हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और आप इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में कौन से 5 डिफेंस टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।